हेलो फ्रेंड्स, मैगी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम वैदिक मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जो कि हमारी मैथ की स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। पिछले वीडियो में हमने किया था कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने किया था कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब जो है बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। अनुरूपिया सूत्र हमने किया था वैदिक मैथ का, जिससे कि हम किसी भी नंबर का क्यूब बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो आज हम उसी के आगे करते हैं कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैदिक मैथ की ट्रिक है किसी भी नंबर के क्यूब का क्यूब रूट निकालने की। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। और क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, तो हम इसे करेंगे क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब, ये टॉपिक का नाम है क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब रूट के बारे में। जैसे मैं लिखता हूं, If 8 is the cube of 2, मैंने ऐसे लिखा 8 जो है वो 2 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब जो है वो क्या है, 8 है। मतलब अगर मैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका 8 आ जाएगा। 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये इसका मतलब हो गया कि ये 2 का क्यूब है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देन 2 इज द क्यूब रूट ऑफ 8। हम इसको अपोजिट भी कह सकते हैं कि जो 2 है वो 8 का क्यूब रूट है। जैसे इसका जो क्यूब रूट का साइन होता है इस तरह से होता है, और 8 को अगर इसके अंदर लिख दें और जब आप इसके 8 के फैक्टर कर देंगे तो आ जाएगा 2 into 2 into 2। तो क्यूब रूट के अंदर जो 3 का पेयर एक बार बनता है वो बाहर आ जाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब रूट और क्यूब को समझते हैं। तो चलिए इसकी जो ट्रिक है सीधे उस पर चलते हैं। ये जो इसकी ट्रिक है वो फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट की ट्रिक की थी। चलिए, तो एक तरफ हम लिखते हैं नंबर और एक तरफ लिखते हैं इनका क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 होता है, मतलब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। आगे करते हैं, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। तो इस तरह से। तो अब आप जरा एक चीज पर ध्यान दीजिए कि इसके यूनिट डिजिट पर फोकस करो। यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 0 है, उसके बाद एंड सोन ऐसा ही चलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो किसी भी नंबर का क्यूब हम निकाल रहे हैं उसमें यूनिट डिजिट 1874562901 मीन्स दैट सारे ही नंबर है। तो इसमें जैसे हमने स्क्वायर रूट में कहा था, ये नंबर एंडिंग विद 2378 कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो चीज इसमें नहीं है।
अगर कोई भी नंबर 1 से लेके 0 तक, 9, 10, 0 तक, 1 से लेके 9 और 0 एंड में आ रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, आप नहीं भी हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं होगा। तो इस बार ऐसा कोई ट्रिक नहीं बनने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 के केस में 1 आएगा यूनिट डिजिट, 2 के केस में 8 आएगा, 3 के केस में 7 आएगा, 4 के केस में 4 आएगा, 5 के केस में 5 आएगा, 6 के केस में 6 आएगा, 7 के केस में यूनिट 3 होगा, 8 के केस में 2 होगा, 9 के केस में 9 होगा और 0 के केस में 0। तो इस तरह से हमने सारे नंबर का एंड डिजिट लिख लिया जो कि हमें क्यूब रूट निकालने में हेल्प करेंगे। अब इसको याद रखने का तरीका कि किस तरह से कौन से नंबर का क्यूब रूट किस जगह आएगा, तो याद रखने का तरीका क्या है, 0 पे 0 है, 1 का 1 है, सेम है, केवल उन नंबर का डिफरेंट होता है यूनिट डिजिट जिनका सम 10 बनता है। जैसे यहाँ पे 2 है और 8 और 2 10, तो 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7, और जिसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 का 3 हो जाएगा, 8 का 2, मतलब जिनका सम 10 बनता है, 7 और 3 10, 8 और 2 10, 5 और 5 के केस में 10 बनता है लेकिन वो सेम रहता है। तो बड़ा आसान है, 2 के केस में 8 रहेगा, 3 के केस में 7 और 7 के केस में 3 और 8 के केस में 2, बाकी सब यूनिट डिजिट सेम रहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं किस तरह से होता है। जैसे हम एक नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं 1728 इसका, तो आप जरा इसके यूनिट डिजिट पर फोकस कीजिए, 8 है, और अगर इसका यूनिट डिजिट 8 है तो इसके आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 2 होगा। ये आपने देखना है जो आपका नंबर है उसका यूनिट डिजिट, और यहाँ पे आपके आंसर का यूनिट डिजिट आए आंसर, तो 8 है तो 2 आएगा। अब आपने क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ देने, क्योंकि ये क्यूब रूट की ट्रिक है, तो इसमें लास्ट के आपने हर बार 3 डिजिट छोड़ने, तो आपने 3 डिजिट छोड़ दिए, अब बचा 1। अब इस 1 का आप क्यूब चेक कीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया, ज्यादा हो गया, तो बस आपने 1 लिख देना है, आंसर आ गया 12। आपने 1 लिख देना है, इस जो 1 नंबर बच गया था इसको आपने क्यूब चेक किया, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 ज्यादा हो गया, तो आपने कम लेना है, तो 1 ही आया, तो आंसर इसका आ गया 12। चलिए और एक नंबर ले लेते हैं 287496। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 6 के केस में आंसर में क्या आएगा, 6 ही आएगा। उसके बाद आपने 3 डिजिट छोड़ दिए, तो आपका बचा 287। अब आप क्यूब चेक करेंगे, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 343 इससे ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 66 आ गया। आई होप ये आपको दोनों नंबर समझ आए होंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं आपको कुछ और नंबर देता हूँ जिन्हें आप मुझे करके जल्दी से बता सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 205379, ये नंबर है, चलिए आप जल्दी से निकाल लीजिए। तब तक मैं आपको एक अगला नंबर देता हूँ, तो आपने पहला कर लिया होगा, 9 है तो 9 के केस में आपका 9 ही रहेगा यूनिट डिजिट, आप फिर 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब 205 है, अब इसको देखेंगे किस नंबर के क्यूब से ये कम और ज्यादा है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो केवल आप 5 ले लेंगे तो इसका आंसर 59 आने वाला है। यहाँ 2 है तो 2 के केस में 8 हो जाएगा, 3 डिजिट छोड़ देंगे, 681 हो जाएगा, और 681 फिर आप चेक करेंगे तो 8 का क्यू 512 होता है, छोटा है, 9 का क्यू 729 बड़ा हो गया, तो छोटा वाला ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 88। यहाँ
फोर के केस में फोर आएगा, तीन डिजिट छोड़ देंगे तो 830 बचेगा। अब आप क्यूब चेक करेंगे तो 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब 1000 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो केवल आप 9 ले लेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 94। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ लग गई होगी। इस ट्रिक में और कुछ भी नहीं है, इतना ही है जो आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं कि इनका आंसर क्या आएगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आंसर क्या आएगा। टू वन नाइन सेवन डबल वन फाइव सेवन सिक्स टू फाइव और एक नंबर है 1404928। टू सिक्स टू वन डबल फोर नाइन सेवन जीरो टू नाइन नाइन। सिक्स फाइव एट फाइव जीरो थ्री। तो ये कुछ नंबर है। चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला अंडर रूट क्यूब रूट डबल वन फाइव सेवन सिक्स टू फाइव। तो फाइव के केस में फाइव ही रहने वाला है यूनिट डिजिट में, और उसके बाद आप तीन डिजिट छोड़ देंगे। जैसे आपने तीन डिजिट छोड़े तो आपके पास में 1157 बचेगा। करना आपने क्यूब ही चेक है। जैसे 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो आपने क्या छोटा वाला ही ले लेना है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 105। आई होप ये आपको ट्रिक समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो का करिए इंतजार। थैंक यू।